कर देती है तो पता होना चाहिए। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? जिससे मर्जी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ केसेस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स में और वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हमारी हेल्प करेंगे। कैसे? हमने केस नंबर वन किया, ये थिन रॉड्स हैं, प्लीज ये थिन लिख लेना, थिन रॉड्स हैं। मैंने बनाया जरूर थिक रॉड है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा पतली है, लाइन ही होनी चाहिए, थिन रॉड है, ठीक, थिन रॉड है विद नो थिकनेस, प्लीज कोई थिकनेस नहीं है। ठीक है यहां तक? तो सपोज मैंने वी वेलोसिटी से इसे अपनी तरफ पुल किया, ठीक है यहां तक, और मुझे निकालना है मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ किन किन पॉइंट्स के बीच में, पी एंड क्यू, ये पी और ये क्यू। क्या आज हमने ईएमएफ का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, बी एल वी, ठीक है, तो याद हो गया। और फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर वेलोसिटी वेक्टर राइट है तो ईएमएफ इस लाइन के क्रॉस पी और क्यू के बीच में डेवलप होगी ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने थिन रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करवाया तो वेलोसिटी ऑफ वी। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये रॉड है और ये वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ये रही है, थिन रॉड बनाई है मैंने बोर्ड के ऊपर, लेंथ एल है। मैंने आपको बता दिया था और बार बार दो तीन बार रिपीट कर चुका हूं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर राइट है तो अगर ईएमएफ डेवलप होनी भी होती तो कहां डेवलप होती, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी में ये लेंथ देख रहे हो छोटी सी, इसके क्रॉस डेवलप होनी होती। अभी हमने रूल बनाया कि अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है तो ईएमएफ ऐसे इस लाइन में डेवलप होगी। ईएमएफ वेक्टर तो है नहीं, पर आपको पॉइंट्स इस लाइन में मिलेंगे। अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है तो ईएमएफ डेवलप होगी इनके क्रॉस पी और क्यू के बीच में, क्योंकि ये लेंथ इनके परपेंडिकुलर है। अगर तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है फिर तो डेवलप होगी बीएलवी, कोई दिक्कत नहीं, पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है तो पी और क्यू में कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। क्योंकि हमने भी क्या डिस्कस किया था कि वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग कभी भी ईएमएफ डेवलप नहीं होती, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में अगर लेंथ है तो इसमें तो ईएमएफ मिलने वाली नहीं है। हाँ, अगर ये थिक रॉड होती, थोड़ी मोटी कर देते हैं, ऐसी कर लेते हैं, ठीक, तो फिर अगर डेवलप होनी भी थी तो फिर इसके अक्रॉस डेवलप हो जाती, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लेंथ परपेंडिकुलर है अगर होती। पर हमने तो थिन रॉड पे काम कर रहे हैं तो थिकनेस लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन हो कि रॉड थिन है और वी वेलोसिटी से राइट मूव करवा रहे हैं तो पी और क्यू में ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो। फिर मैंने लिख भी दिया रॉड नेग्लिजिबल थिकनेस की है एंड सो इट विल नॉट कट फ्लक्स। तो ये भी कई बुक्स में लिखा होता है, इतनी पतली है कि वो, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से निकल गई तो इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। अगर थोड़ी मोटी होती तो हो सकता है कोई लाइन कट कर जाती, पर एक्चुअल में रीजन ये है कि यहां डेवलप होना तो चाहती है, थोड़ा सा होगी थिन, होती नहीं ना, थिन मतलब थिन है यार, थिकनेस बोल दी तो थिक हो जाएगी, बोलनी नहीं है ही नहीं, धागे बिल्कुल धागे से भी पतली है तो बस बहुत ही पतली यार, किताबों में तो पतली करो ना, निगलेक्ट करो उसे थिकनेस को। तो फिर उस केस में आपने क्या बोलना है, पी और क्यू में तो चाहे थिक हो चाहे थिन हो, पी और क्यू में तो हर हालत में ही जीरो, पर अगर थिक होती तो फिर इसके क्रॉस एक्स और वाई में डेवलप थोड़ी सी तो हो ही जाती, जैसे वो बोल रहे हैं, क्लियर है यहां तक। पर हम थिन के साथ काम करेंगे, हम आंसर जीरो बोलेंगे, कोई डाउट इसमें? मैं फिर लगा के दिखाता हूं, फिर देखो, सपोज करो ये देखो इस बार रॉड कैसी है, इस बार रॉड ये री और वेलोसिटी ये री, ठीक, ये वेलोसिटी है वी, और रॉड की लेंथ के साथ वेलोसिटी का एंगल 90 है ही नहीं, थीटा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करवा रहे हैं। देखो फ्लक्स को कुछ तो कट करेगी, लाइंस को कट करेगी तो ईएमएफ डेवलप तो होनी है। हम एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक वी कॉस थीटा और एक वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा वी
साइन थीटा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अच्छा नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट, ये लेंथ ऑफ द रॉड है एल और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो एक वेलोसिटी कौन सी ऐड कर रही है, वी कॉस थीटा, और दूसरा डायग्राम ये रॉड है एल और एक वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर काम कर रही है, देखो परपेंडिकुलर कितनी, वी साइन थीटा। ठीक, तो जब वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये ईएमएफ डेवलप करेगी, कितनी, बी एल, वी की जगह वी साइन थीटा। ठीक है यहां तक? और ये लेंथ के साथ जा रही है वेलोसिटी, तो ये ईएमएफ डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि अगर लेंथ और वेलोसिटी एक ही लाइन में है तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ठीक लिखा मैंने, पी और क्यू में ईएमएफ तो होगी, पर कौन डेवलप करेगा, सिर्फ वी साइन थीटा। मैंने लिख दिया, टेक वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड दैट वेलोसिटी कंपोनेंट विल डेवलप ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर, बाकी जो लेंथ के साथ वेलोसिटी है वो नहीं डेवलप करेगी। ठीक है यहां तक? तो ये भी केस क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट केस, सपोज आपके पास एक वायर है, क्योंकि हमने अपने बीएलवी के रिजल्ट में वायर को हमेशा स्ट्रेट ही लिया, लेकिन हो सकता है वायर टेढ़ी मेढ़ी हो, तो और इसको मूव करवाया जा रहा है। याद रखना बीएलवी में जो एल होता है वो लेंथ डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा की तरह। तो अगर आपको ईएमएफ निकालनी है ए और बी के बीच में, तो सबसे पहला काम पता है क्या होगा, पूरी वायर में काम ही नहीं करना, आप इसकी डिस्प्लेसमेंट लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया, एल ले लिया। आपने ये इमेजिन करना है कि एक रॉड है विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और रॉड की लेंथ कितनी है, एल। तो आंसर वही रहेगा, बी एल वी। तो रॉड की लेंथ मैटर नहीं कर रही, टेढ़ी मेढ़ी मैटर नहीं कर रही, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मैटर कर रही है, एल। ये शॉर्टकट याद रहेगा। जैसे सपोज ये टेढ़ी मेढ़ी वायर है, इसको खींचा जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी टेढ़ा, कोई बात नहीं, ये मेरी लेंथ कंसिडर होगी इसमें एल, मैं वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, वी कॉस थीटा कुछ करेगा नहीं, लेंथ के साथ जा रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा, तो क्या आंसर होगा, बी एल, ये लेंथ एल इनटू वी साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? रॉड की इलेक्ट्रॉन तक तो अब जाना ही नहीं ना,